तो क्या हाल है, फिर से वापसी। अबे सालो तुम लोग कितने हरामी हो, रोज डालता हूँ तो भागे दौड़े आते हो और व्लॉग डालता हूँ तो देखते नहीं हो। हम देखेंगे। ये तुम लोग की मोहब्बत है कि चलो तुम रोस्ट पे तो प्यार दिखा ही रहे हो, और दूसरी चीज है कि आज हम रोस्ट करेंगे फिर से कशफ अनाड़ी को। बल्कि रहने दो यार, पहले में इसकी यह हालत हो गई, अगर दूसरा कर दिया तो राम नाम सत्य है। कशफ अनाड़ी को जब रोस्ट किया तो आगे से कहते हैं, अच्छा तुमने मुझसे इजाजत की रोस्ट करने से पहले ही? दीदी रोस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा पिया नहीं जो तुमसे इजाजत लूँ। पूरी रात गर्म पानी में हल्की आंच पे उबले हुए भारती, मेरे सीएनजी गैस के सिलेंडर, मुझे आपको रोस्ट करना है, प्लीज परमिशन दे दोगी? चूतिया बनाया तुमको। तुमको यूट्यूबर नहीं हो, बल्कि तुम्हारी जैसी गली की नली 6-7 औरतें बर्तन धोने के बाद तुम्हारी वीडियोस देखते हैं। तुमको डकी या मास सत्ता नहीं जो तुमसे परमिशन लो। कशब आगे रोस्ट करना है, परमिशन दे दो। बड़ा हरामी हो बेटा। बल्कि तुम सबसे पहले एक टिकटॉकर हो, नहीं टिकटॉकर नहीं, बल्कि तुम तो दुनिया के सबसे फारिग तरीन चैनल बोल में मशहूर होने वाली एक लड़की हो, फिर उसके बाद कहीं जाके एक टिकटॉकर हो। रोस्ट किया तो उसके अगले दिन मुझे किसी ने बताया कि भाई तुमने इसको रोस्ट ही किया था ना, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरा दिल भर आया गाइस, और मैं इसके इंस्टा पे गया और मैंने स्टोरी देखी कि जिस तरीके से 4 महीने पहले वो नूर जहां को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल वही वाला सीन याद आ गया कि इसको भी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे। खैर दीदी मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि हम लोग 2023 में जी रहे, और आपको ये अकल नहीं आ रही कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, रोस्ट कर सकता है, मुझे कोई कर सकता है। लेकिन आपकी तो ये बात समझ ही नहीं आ रही ना। देखो अगर आपको मेरा रोस्ट बुरा लगा, मैंने तो फिर हल्का हाथ रखा था, आप अपना कमेंट सेक्शन खोल लो जाके। तो अब डालते हैं पिल्ले की इस वीडियो पे नजर। आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाके मेरा कंटेंट, यकीन करो मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है इसका कंटेंट जाके चेक किया, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। वो पाली में जाके लेट रहा है, भोगना उसने शुरू किया, ये किस चीज करेगा, पूरा क्रिंज है। ये फिर गाली खाने वाले काम कर रहा है, क्रिंज बोल भी कौन रहा है जो पैदा ही क्रिंज की वजह से हुआ है। ये साला खुद अपनी वीडियो शूट करने से पहले 3 किलो आटा अपने मुंह पे थोपता है, और जब अपलोड कर रहा होता है तो उसके ऊपर फिल्टर अलग से लगाता है, उसके बाद भी ये जहरीला ही लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और तेरे कंटेंट से पता है क्या सीखने को मिलता है? तेरे कंटेंट से ये सीखने को मिलता है कि अगर लड़की कोई गुनाह करेगी तो गुनाह की सूरत में तू मिलेगा उसको। पिल्ले सबसे पहले तो तू मुझे ये बता, तुझे ये स्क्रिप्ट लिख के किसने दी? मतलब बड़ी कोई दिमाग से लिख के दी है कि इसमें तू पुनीत के बारे में बोल ताकि गालियां तुझे पड़े और व्यूज मुझे आए। जहाँ इंडिया की पब्लिक पागल हुई पड़ी है कि बिग बॉस में जाना है, बाबले हुए पड़े, वहां पे दूसरी तरफ पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस पे लात मारकर आ गया, मुंह के आ गया, और आगे से कह रहा है कि तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। अबे साले तुझे पाकिस्तानी बिग बॉस में कोई झाड़ू मारने के लिए भी ना रखे, तुझे कोई अपने हाथ से भी ना मारे, बल्कि कचरे की थैलियां भी ना मारे कोई तुझे, तूने पुनीत को क्रिंज बोल दिया। ये क्या बात करता है यार। बिग बॉस में जब भी सबसे पहले कोई एलिमिनेट होता है तो उसका करियर डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाता है। शिट। ये साला पहला ऐसा बंदा है पुनीत सुपरस्टार जो सबसे पहले निकला, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। इसका करियर डाउनफॉल तो बहुत दूर की बात है भाई, 3.5 लाख फॉलोअर्स लेके गया और अभी 3 मिलियन पे ये खड़ा है, और साले पिल्ले तूने इसको क्रिंज बोल दिया। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। देख पिल्ले भाई तुझे एक तरीके की बात समझाता हूँ, तेरी वैल्यू तब तक है जब तक तू दूसरों के शूज में जाके अपनी बेइज्जती करवाएगा और खुद को जलील करवाएगा। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, बरकत उस्मी ने अहमद खान के नाम से कौन सा नया चैनल खोला यार। तो अब बात करते हैं दोजख मिर्जा के बारे में। दोजख मिर्जा इस वजह से फेमस नहीं है कि इनके मिलियन में फॉलोअर्स है, बल्कि ये इस वजह से फेमस है कि ये बहुत दूर तक फेंकती है। ये अरशद नदीम की बहन है, और मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि अरशद नदीम को हटा के एक दफा इनको चांस दे दो, बहुत दूर तक फेंकती है ये। फेंको भी फेंको, मुके फायर आते फ्री के।
बातें करने से बच्चे होते तो सबसे ज्यादा जन्नत मिर्जा के बच्चे होते और उसी के साथ आई वॉज ऑफर्ड परिजाद एंड हम कहाँ के सच्चे हैं really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी. झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती. देखो दोस्त दीदी, तुम्हें जो ऑफर हुआ होगा वो जापान का परिजात होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा. और याद रखना, जवानी बहुत हरामी होते हैं, इनकी वीडियोस ब्लर होती है. ऑन सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है. इमरान खान से आई गेस सेम ही है आपके, इतने ऊपर थोड़े नीचे, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे. क्या कह रहा चूतिया? करली बकचोदी, आओ सबसे पहले जन्नत मिर्जा के फॉलोवर्स देखते हैं. ये देखो 4.4 मिलियन. और खान साहब भी देखते हैं. आराम से देखो दोस्त दीदी, खान साहब को लोग फॉलो करते हैं लीडरशिप की वजह से, और आपको लोग फॉलो करते हैं अपनी हवस के लिए. साला राजा महाराजा भी अब सोचते होंगे कि उस टाइम पे हम लोग सोने के सिक्के उनके ऊपर उड़ा दिया करते थे, और अब ये बेचारे बच्चों को देखो फ्री में मुजरा देख रहे हैं लोगों का, वो भी अच्छे अच्छे घर की लड़कियों का. देखो दीदी, नशे करने हैं करो, लेकिन इंटरव्यू से पहले नहीं, इंटरव्यू के बाद. सो फाइनली वीडियो इज गोइंग टू एंड, पहुंची वीडियो अपने अख्तिताम को. और भाई अगर दोजख मिर्जा पे आपको रोज चाहिए तो जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करवाओ. जन्नत मिर्जा के साथ साथ खुद को भी रोज करूंगा. अरे 1,00,000 के बाद या फिर 1,00,000 पे आपको लाजमी मिलेगा. और एक मीटअप सीन भी प्लान करेंगे. सही है तो मिलेंगे आपको. और डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पे जो हम दूसरे किस्म की बकचोदियां करेंगे, जाके सब्सक्राइब कर लो, इसको भी 1,00,000 तक पहुंचाओ. फिर जन्नत मिर्जा को भी रोस्ट करेंगे और खुद को भी करके दिखाएंगे. बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. लव यू, बाय. भाई साहब, अगर बातें करने से बच्चे होते तो सबसे ज्यादा जन्नत मिर्जा के बच्चे. इधर आओ बच्चे, इधर आओ. तू किसका बच्चा है? चूतिया बच्चा लग रहा है. गेम क्या